हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट आर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या क्या होता है शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल और क्या होता है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, सबसे पहले हम समझेंगे शॉर्ट टर्म सोर्सेज क्या क्या हैं वर्किंग कैपिटल की। नंबर वन है हमारा ट्रेड क्रेडिट। ये जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सोर्स है शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल का। ट्रेड क्रेडिट जो है रेफर्स होता है क्रेडिट जो एक्सटेंडेड होता है बाय सप्लायर और वेंडर टू बिजनेस, अलाउिंग इट टू परचेज गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट टर्म टिपिकली विद इन ए स्पेसिफाइड पेमेंट पीरियड। ये जो है स्पेसिफाइड पेमेंट पीरियड के लिए जो है क्रेडिट पर जो है परचेज करा जाता है गुड्स को। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउ ए बिजनेस टू विदड्रॉ मोर मनी फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट देन इज करेंटली अवेलेबल अप टू एन एग्रीड अपॉन लिमिट। जो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ये जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है बिजनेस को कि वो जो है अपने जो उनके अकाउंट में रुपए हैं उससे ज़्यादा वो विदड्रॉ कर सकते हैं जहाँ तक उन्होंने उनकी लिमिट सेट है। ये जो है प्रोवाइड कराता है फ्लेक्सिबिलिटी मैनेज करने की कैश फ्लो फ्लक्चुएशन को शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड पर। अगर कोई नीड है कि भाई अकाउंट में जो है आपके 1,00,000 रुपये हैं और आपको ज़रूरत है 2,00,000 रुपये की और आपकी जो है लिमिट है इतनी बैंक की तरफ से, तो आप जो है 2,00,000 रुपये कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स जो है ये टिपिकली ऑब्टेंड होते हैं फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स टू मीट इमीडिएट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जैसे कि जो हमारी इमीडिएट वर्किंग कैपिटल होती है रिक्वायरमेंट की उसको जो है फुलफिल कर दिया जा सके। ये जो लोन होते हैं शॉर्ट रीपेमेंट पीरियड के लिए होते हैं, यूजुअली लेस देन 1 ईयर होते हैं, 1 साल से कम, और मे बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपेंडिंग ऑन द बोरोअर्स क्रेडिट वर्थनेस। अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंसिंग जो है इसको ऑल्सो नोन एज फैक्टरिंग और इनवॉइस फाइनेंसिंग। जो हमारी अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंसिंग है इसको फैक्टरिंग और इनवॉइस फाइनेंसिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है इनवॉइसिस होते हैं जो सेलिंग अकाउंट रिसीवेबल टू थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट ए डिस्काउंट, जो कि अनपेड इन्वॉइसेस होते हैं। ये जो है प्रोवाइड कराते हैं इमीडिएट कैश फ्लो टू द बिजनेस वाइल ट्रांसफरिंग द कलेक्शन रिस्क टू द फाइनेंसिंग कंपनी। एक्रुअल्स, एक्रुअल्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंसेस जो कि इंक्लूड होते हैं बाय द बिजनेस बट नॉट पेड होते हैं। ये जो होते हैं इसमें इंक्लूड होता है सैलरी, यूटिलिटी, रेंट, टैक्सेस। एक्रुअल्स सर्व एज ए शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये अलाउ करते हैं बिजनेस को टू डिले पेमेंट अंटिल ए लेटर डेट। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या क्या हैं? नंबर वन है हमारा इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल जो है रेफर्स होता है टू फंड्स राइज्ड बाय इशूइंग शेयर ऑफ ओनरशिप, मतलब इक्विटी इन द बिजनेस टू इन्वेस्टर। दिस कैन इंक्लूड कॉमन स्टॉक और प्रिफर्ड स्टॉक। इसमें इंक्लूड होता है कॉमन स्टॉक और प्रिफर्ड स्टॉक। इक्विटी कैपिटल जो है डज नॉट हैव टू बी रीपेड एंड प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फंडिंग फॉर द बिजनेस। लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर लेंडर्स विद द रीपेमेंट पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। ये जो लोन्स होते हैं मे बी यूज टू फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जो है यूज होते हैं फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए और अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग आर प्रॉफिट्स अर्न बाई द बिजनेस। ये जो है प्रॉफिट होता है जो कि अर्न कराया गया होता है बिजनेस के द्वारा बट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड्स बट आर रिटेन्ड एंड री इन्वेस्टेड बैक इन टू द बिजनेस। ये जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा जाता है किसी भी शेयर होल्डर को बट ये जो है री इन्वेस्ट कर दिया जाता है बिजनेस को, बिजनेस में। रिटेन्ड अर्निंग प्रोवाइड ए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। डिवेंचर आर लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स इशू बाई कंपनी टू राइज फंड फ्रॉम इन्वेस्टर। दे टिपिकली हैव ए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एंड मैच्योरिटी डेट प्रोवाइडिंग द कंपनी विद लॉन्ग टर्म कैपिटल।
while obligating it to make periodic interest payment and repayment principal amount at maturity. Debenture जो होते हैं ये जो है issue करे जाते हैं company के द्वारा किस लिए rise करने के लिए fund को from investor. इनका जो है एक fixed interest rate होता है और ये कब पूरे होंगे ये भी पहले से ही fix होता है. तो I hope friends आप सभी को समझ में आया होगा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होता है. इस सीरीज में हमारी 19 वीडियोस हैं, साथ ही साथ और भी सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज और कंप्लीट रिवीजन हमारे चैनल पर अवेलेबल है स्टडी विद हर्षित. आप यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इन सभी की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद हर्षित पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी. थैंक यू सो मच.